इतिहास में भी ये जुड़ा हुआ है सो आप आप इसको इसको कैसे यूज यूज कर कर सकते हैं? आप यूज़ कर सकते हैं हैं के लिए भी और फिर तो बात बनती है कि जीएसटू के पार्ट में भी जाएगा जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं वहां पे भी जाएगा और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आप समझ आइएगा देखिएगा कि कोरोना वायरस के बाद काफी सारे देश जो है वो वर्चुअल समिट पे जो है ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं एक ये बहुत अच्छी चीज हुई इसके सबसे पहली चीज तो अब इस बार ये भी हो सकता है कि हम जो वर्चुअल कर रहे हैं ना अब सोचें कि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नीदरलैंड जाना होता तो कितना खर्चा होता अब जब हम पीछे एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई देश दूसरे देश के लिए विजिट करता है तो खर्चा भी बहुत होता है सो एक फायदा तो ये भी हो गया कि डिजिटली आप अपने ही घर से जो है दूसरे देशों के साथ इंटरेक्ट होते हैं ये एक चीज बहुत अच्छी देखने को मिली तो एक छोटा सा ओवरव्यू है ये मैंने बता दिया हम बात कर रहे हैं नीदरलैंड और इंडिया की रिलेशन देखिए नीदरलैंड और इंडिया की रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है आप जो अभी वर्चुअल समिट हुई उसने एक बहुत सारी चीजों को खोल के रख दिया है कि भारत का पोटेंशियल क्या है भारत कितना आगे बढ़ सकता है विकसित हो सकता है पहली बात तो आपको एक चीज सुन के गर्व होगा कि भारत के अब जो रिलेशन हैं वो बहुत अच्छे हो रहे हैं अभी एक 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 न्यूज रिसेंटली आई रिगार्डिंग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कि वो लक्षदीप साइड से जो है उन्होंने कुछ इश्यूज़ क्रिएट किए थे लेकिन ये कहना कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं है या हमारे भारत के इतिहास में ये रहा है कि भारत की जो उसके पड़ोसी देश हो या फिर यूरोपियन देश हो हमारा एक बहुत अच्छा रिलेशन रहा है और शायद उसी को हम कैरी भी कर रहे हैं अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूं जो अभी चल रहा है उस सिनेरियो में भी एक अच्छी चीज देखने को मिली कि अमेरिका हो रशिया हो नीदरलैंड हो फिर उसके बाद आपका श्रीलंका हो तो ये सारी चीजें बहुत बहुत ठीक लगती हैं और सही भी लगती हैं कि भारत एक

ये एक चीज याद रखिएगा क्योंकि नीदरलैंड जो है वो अभी क्या है न्यूज में है जब भी कोई चीज न्यूज में होती है तो क्या होगा कि यूपीएससी उसके इर्द गिर्द के सवाल भी पूछता है अब जैसे ये 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 अभी अभी न्यूज में है तो हम ये, ये आशा कर सकते हैं कि नीदरलैंड की काफी सारी चीजों के बारे में ये पूछ सकता है कि इसके साथ सटे हुए देश कौन कौन से हैं इसकी बाउंड्रीज किन किन के साथ जो है मिल रही है नीदरलैंड में रिवर कौन कौन सी बहती है अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कभी कोई न्यूज आती अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें पता चल गया कि नीदरलैंड की वर्चुअल सबमिट हुई तो हमने उसके बारे में पढ़ दिया लेकिन हमने ये नहीं देखा कि अगर एक कंट्री न्यूज में है तो डेफिनेटली उस कंट्री के रिगार्डिंग वो हमसे सवाल पूछेगा बताएगा कि बताइए जी वहाँ पे कौन कौन सी नदी है वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पे कौन सी करेंसी यूज होती है यही होता है करेंट इफेयर मैं हर बच्चे को अपनी क्लास में हमेशा ये कहता हूँ कि भाई करंट अफेयर्स को पढ़ने का बहुत एक अलग सा ढंग होता है अब देखिएगा स्लाइड्स में मैं आपको दिखाऊंगा सबसे पहले क्या है कि हम तो न्यूज के ऊपर जाएंगे ही जाएंगे कि न्यूज क्या थी लेकिन न्यूज से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय नीदरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम मार्क रूटी है अब ये नाम इम्पोर्टेंट हो गया क्यों इम्पोर्टेंट हो गया भाई इस समय तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्हीं के अंडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने

आ, एक पार्टिसिपेशन है वो वो बताने की जरूरत है अब देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन आपको क्रिएट फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है बताइए जी नीदरलैंड की कैपिटल क्या है अब यहाँ पे कैपिटल मैंने दिखाया होगा यहाँ पे इनकी ये कैपिटल है जिसमें स्टार दिखाता है एम्स्टरडेम ये इनकी कैपिटल है अब ये तो न्यूज में थी नहीं उसके बाद बताएगा कि बताइए जी इनकी करेंसी क्या है करेंसी भाई इनकी यूरो है यूरो चलती है बेटा ये याद रखिएगा यूरो चलती है फिर ये भी तो बन सकता है कि सर मेजर रिवर कौन सी है तो ये रिवर जो है ये बहुत बड़ी रिवर है यानी रिवर्स कहा जाता है इसको ये बहुत बड़ी रिवर है और ये जब हम पार्ट पढ़ रहे हैं देखिए इसका कोई लेना देना इस न्यूज से नहीं था लेकिन जब बात नीदरलैंड की है तो डेफिनेटली हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो सवाल हमसे पूछ सकता है उसके बाद अगर हम बात करें तो बात है कि सर अब हम आते हैं मुद्दे पे मुद्दा हमारा ये है कि इस समिट में क्या क्या हुआ अब यहाँ पे आपको देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड पर यहाँ पे आपको देखते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वर्चुअल समिट हो रही है बहुत अच्छी बात हुई कि इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्टली बात तो कर ली लेकिन हिंदी का प्रयोग हुआ तो उसको हमें ट्रांसलेशन करवा दी चलिए अब इसमें की देखिएगा क्या इट वाज द फर्स्ट हाई लेवल समिट पहली ऐसी समिट है जो हमने अटेंड की नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क और जनरल इलेक्शन होने के बाद जब वो बने 2016 के बाद अच्छा कि रिलेशन मतलब कहा कि हम अपने संबंधों को और अच्छा करेंगे क्या करेंगे संबंधों को हम व्यापार के थ्रू यानी कि व्यापार इंग्लिश में हिंदी में व्यापार इंग्लिश में ट्रेड होता है और हम अपनी इकोनॉमी इकोनॉमी मतलब हिंदी में आर्थिक जब ट्रेड बढ़ेगा भाई तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज खुद, खुद बढ़ती है इसका मतलब भारत नीदरलैंड की ओर क्या देख रहा है ये सोचिए भारत नीदरलैंड की ओर जो है रा, ट्रेड देख रहा है और ट्रेड में हम सब जानते हैं कि हमारा बैकबोन है भाई हम रशिया के साथ अमेरिका के साथ हर देश के साथ इस समय एक ही संबंध क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या है भाई ट्रेड ट्रेड इन ट्रेड, ट्रेड। अच्छा बात जो होती कल यूपीएससी प्री में आपको पूछ सकता है सवाल कि बाई बताइए जो समित हुई उसमें कौन कौन से मुद्दों के ऊपर बात हुई चर्चा किन किन पे वाटर मैनेजमेंट यार पानी की दिक्कत बहुत ज्यादा है आप सब जानते हैं वाटर मैनेजमेंट के ऊपर बात हुई अब ये वाटर मैनेजमेंट मुझे कहाँ पे पढ़ने को मिलेगा क्लास नाइन की एनसीआर चैप्टर नंबर थ्री मैं आपको जाके पढ़ने को मिलेगा वाटर के ऊपर आप जानते हैं कि इंडिया में मिलियंस ऑफ लोग ऐसे हैं जिन्हें पीने के लिए अभी पानी नहीं फिर बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी और नीदरलैंड के कि हम अपने कृषि हिंदी में इंग्लिश में एग्रीकल्चर हम कृषि को कैसे बढ़ाएंगे अब याद करिएगा क्लास टेन की एनसीआर क्लास टेन की एनसीआर चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर फोर में आपको एग्रीकल्चर के बारे में पता चलता है और एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं भाई बैकबोन ऑफ द कंट्री हमारे 56 परसेंट इंडियन ईयर बुक अगर आप पढ़ेंगे तो 56 परसेंट लोग वो हैं जो कृषि के साथ संबंधित है इसीलिए मैं कहता हूं एथेंटिसिटी इंपॉर्टेंट होती है स्मार्ट सिटी के बारे में बात की गई स्मार्ट सिटीज का हमने पहले भी कंसेप्ट उठाया था कि यार देखिए अब हमारे भारत के अंदर अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट जब आता है ये अर्बनाइजेशन जो है ना वेल प्लानड well नहीं है इसको प्लान करना पड़ेगा अब देखिए नीदरलैंड से बात करके तो डेफिनेटली हम ये बता सकते हैं कि हमारा अर्बनाइजेशन अगर बढ़ जाए जाए सही ढंग से हो जाए, तो बात 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 बनती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की की करें यहां पे बहुत अच्छी गई कि नीदरलैंड के पास जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की जा सकती है और ये बड़ी अच्छी चीज हुई जरा देखिएगा हेल्थ केयर के ऊपर अब देखिए जहां कहीं पे भी सबमिट होती है ना तो हेल्थ केयर की बात इसलिए होती है क्योंकि अब कोरोना के बाद हर कोई कंट्री यही चाहती है कि वो किसी तरीके से हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा होंगे स्पेस की भी बात होती है दोनों प्राइम मिनिस्टर ने एग्री किया कि हम अपनी पार्टनरशिप को और मजबूत करेंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर के ऊपर ताकि हम लोग इंडो डच क्योंकि यहाँ डच बोला जाती है तो भाई याद रखिएगा ये इसको आगे बढ़ाएंगे और अपग्रेड करेंगे वर्किंग ग्रुप ऑन वाटर टू मैनस्ट्रियल लेवल तक लेके चलेंगे अब नीदरलैंड में हम लोग जानते हैं कि इंडो पैसिफिक पॉलिसी जो है उसको वेलकम भी किया गया कहा कि बहुत अच्छी बात है अगर हमारे इनके साथ संबंध अच्छे हो जाते देखिए जितने आपकी संबंध बाकी के मुल्कों के साथ अच्छे होंगे तो भाई आपके ये कि आपका देश तरक्की की ओर जा रहा है तो बहुत अच्छा हुआ क्वाइट कि ये ऐसा किया गया और आगे हम लोग इसको वे फॉरवर्ड देखते हैं देखिए ये वाला पार्ट जो है ना ये हिस्ट्री से रिलेटेड है वे फॉरवर्ड में ये लिखता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो आप सब जानते हैं कि भारत और डच इनका संबंध 400 साल पहले से चलता आ रहा है यहाँ पे वो दिया हुआ है तो प्लीज देख लीजिए ये लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट होती है ऑफिशियल रिलेशन है ऑफिशियल रिलेशन एस्टेब्लिश इन 1947 जब हम आजाद हुए तब से हमने इनके साथ दोस्ती कर ली हमारी दोस्ती इकोनॉमिकल ग्रोथ के ऊपर है बड़ी मार्केट भी है नॉलेज है और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये दोनों कंट्रीज जो है, जो हैं इनके ऑफ डेमोक्रेसी है घुस तो में में रहा हूं कि डच की गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया था कहा था कि इंपॉर्टेंट इंडिया हमारा एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट देश होगा 1980s में कहा था। बायोलैटर रिलेशन को आगे फर्दर हमने बढ़ाने की कोशिश की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यानी कि 1990 2006 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे वहां की जो मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बैल्कन गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है डिक्लेयर इंडिया अलोंग विद चाइना एंड रशिया एज ए प्रियोरिटी कंट्री ये प्री का क्वेश्चन है इन डच फॉरेन पॉलिसी बोला कि भारत रशिया और चाइना तीनों हमारे हुँ लिए बहुत महत्वपूर्ण। याद करिएगा कि ये ये 2015 को यह यहां पे आता है। और एक पंद्रह ट्राई होती है और नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं है मनाएगी इंडियालैंड में और विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू द नीदरलैंड जब जो न, 2017 में वो गए थे तो ये भी बताता है कि हमारी जो है, वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं so ये कि भारत नीदरलैंड के साथ कैसे जाएगा अब सवाल बेटा ऐसा बनेगा कि डू यू एग्री दैट द नीदरलैंड इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड दॉटर मैनेजमेंट इस तरीके से पढ़ा जाता है करंट अफेयर उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो बड़ी सिंपल सी है ऐसी फिर से तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा शेयर भी कीजिएगा कहते हैं कि करंट अफेयर्स को अगर मिला के किताबों से पढ़ाया जाए जीएस से पढ़ा जाए जैसे हमने इसमें इंटरनेशनल पढ़ लिया इसमें हमने नीदरलैंड के बारे में पढ़ा इसमें हमने इंडिया की हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ लिया इस तरीके से पढ़ा जाता है मुझे पूरी उम्मीद है इसको बनाने के बाद मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया करके अपने नोट सेवन जीरो जीरो सिक्स टू जीरो एट सेवन वन नाइन पे सेंड करेंगे टेलीग्राम पे मैं देखना चाहता हूँ कि आपने किस तरीके के नोट बनाए हैं नोट बहुत ही शॉर्ट होने चाहिए ताकि आप फ्यूचर के एग्जाम में इनको सही तरीके से इस्तेमाल कर

जो है अपलोड की हुई है आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं